जान भी जा सकती है। और आप सब लोग जानते हैं बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश की है, कोई पहली बार नहीं। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है, मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है, और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और भदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नफरत और बदला लेने की भावना में उतर आई है कि वो केजरीवाल की जान लेने तक के लिए तैयार है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में आप हार रहे हैं तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल पे हमले हो चुके हैं। मैं साफ तौर पे शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को, सबको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमला केजरीवाल पर करने की तैयारी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। और आप जानते हैं हम कोई ऐसी बात बेबुनियाद हवा में नहीं करते। 23 दिन तक जेल के अंदर इंसुलिन न देना, वो तो हम लोग न्यायालय गए तो उनकी जान बच पाई, वरना तो जेल में भी एक बड़ा षड्यंत्र था, शायद उस षड्यंत्र को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। और ये देखिए आप, ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन की फोटो है।